123 लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया था, जिसमें 72 सिख थे और 22 मुसलमान थे। क्या बात है, ये बड़े गर्व की बात है। जब देश की लड़ाई लड़नी होती है तब आप हमारी ओर देखते हो, और जब देश के अंदर तुमको मॉब लिंचिंग करनी होती है तो तुमको राम याद आता है। क्यों राम को बदनाम करते हैं यार? रहीम एक है, गुरु नानक जी ने भी कहा है, अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सिख कौम इसकी घोर निंदा करती है, ये तरवेज का खून नहीं हुआ है, ये इस्लाम का खून नहीं हुआ है, ये इंसानियत का खून हुआ है, ये हिंदुस्तान का खून हुआ है। दोस्तों सही मायनों में हिंदुस्तान की आत्मा पे कुठाराघात किया है। ऐसे गुंडों को सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। मुसलमान एक शांति प्रिय कौन है, जिनका कौन का संदेश ये है कि भाईचारा, एक दूसरे से मोहब्बत, ईद उल मिलाप, एक दूसरे के गले मिलना। हम इनको हम दूर कर रहे हैं, यह तो हमारे करीब है, हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा में बसता है मुसलमान। मैं आप सभी से पुरजोर शब्दों में गुजारिश करता हूँ सरकार से कि जो भी हुआ है ऐसा आइंदा किसी भी कौम के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो सिख हो। सिखों को भी पर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, माइनॉरिटी को कुचला जा रहा है, ये माइनॉरिटी को दबाने की नाकाम कोशिश है। इसको आप कितना भी जोर लगा लो हमको कुचल नहीं सकते। आवाज दो, आवाज दो, की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जय हिंद जय कर्नाटक सबसे पहले आज यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर दूसरी ऑफिस के सामने रूबरू एक जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क में हर मुकाम पर हर जगह मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, दलितों पर, मुसलमानों पर, गरीबों पर, मजहब की बुनियाद पर उनको मारा जा रहा है। उनके मुंह से जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। तो मैं उन तमाम फिरका परस्त ताकतों को यह कहना चाहता हूँ, ये मुल्क तुम्हारी बाप की जागीर नहीं, ये मुल्क सबका मुल्क है, ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क सिख का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क की आजादी के लिए हम हमारे बाप दादाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी और ये जमीन के अंदर दफन है, और उसी के लिए आज यहाँ पर ये मुल्क लैंड ऑफ लॉ है, कानून से चलने वाला लोग है, मुल्क है, लेकिन यहाँ पर लैंड ऑफ लिंचिंग किया जा रहा है, उसके खिलाफ तमाम लोग मुत्तहिद होकर हमको आवाज उठानी होगी। और ये नरेंद्र मोदी जो कभी खामोश नहीं रहने वाला प्रधानमंत्री, जब जब पर मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों को मारा जाता है, और ये बेशरम हमारा प्रधानमंत्री खामोश रहता है, बड़ा अफसोस की बात है। तो मोदी को बोलना चाहिए, मोदी को मजम्मत करना चाहिए। तो यहाँ पर नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर, और जिस तरह से SC ST प्रिवेंटिव फ्रॉम एट्रोसिटीज जो एक्ट बनाया गया है, उसी तरह से प्रिवेंशन ऑफ माइनॉरिटी फ्रॉम एट्रोसिटी एक्ट भी बनाना चाहिए हुकूमत से। यहाँ पर खनन बनाना चाहिए। ट्रिपल तलाक की बात करते हो, बार बार मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हो और मुसलमानों को जुल्म होता है, खामोश बड़े पड़ते हो। तो हम मुतालिबा करते हैं कि मुसलमानों को, दलितों को, बैकवर्ड को, जिन लोगों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, उनके तहफ्फुज के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाना चाहिए प्रधानमंत्री को। अगर नहीं बना सकते तो ये नारे जो बार बार लगाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो कहते हैं, ये नारा लगाना बंद कीजिए। और समझ में आ गया है मुल्क के लोगों को, आप लोग सिर्फ नारा ही लगा सकते हैं, जात पात के नाम पे हमको बांटने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम अलग अलग जगह से आए हैं, तमाम नौजवानों को यहाँ पर, जितने भी लोग बुजुर्ग आए हैं और अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर, मैं तमाम लोगों को सलाम करता हूँ। यही एहतियात का मुजाहरा सिर्फ एक बार नहीं करना, सिर्फ अपने गंदगी के लिए हमको एहतियात का मुजाहरा नहीं करना। जब जब भी मौका होगा, जुल्म होगा, तमाम लोग
और इत्तेहाद का मुजाहरा करके इन तमाम फिरका परस्त ताकत के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार होना होगा। आज ये मुल्क के अंदर जिस तरह की लैब लैंड की बेहुर्मती हो रही है, लैब लैंड का रुंध करके इस मुल्क के अंदर भाईचारे का खत्म हो रहा है, ये मुल्क के अंदर ये बात की जमानत दे रहा है कि ये मुल्क लिंचिस्तान की जानिब रवाना हुआ है। आज अगर तुम मुसलमान दलित और आदिवासियों और सिखों के ऊपर जुल्म बर्बरियत अगर करके ये बात समझ में आ रही है कि हम एक अखंड भारत बना रहे हैं, तो आप ये बात जान लें कि आपके हाथ से लॉ ऑफ लैंड का कंट्रोल निकल जाएगा। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके हाथ से लॉ ऑफ लैंड का कंट्रोल निकल जाएगा, सारी इंसानियत झुक जाएगी, शर्मसार हो जाएगी और इस मुल्क के अंदर जंगल राज कायम हो जाएगा। हमने आज तक हमारी नस्लों को ये मोहब्बत का पैगाम देने के लिए यहाँ पे खड़ा किया है, इस समाज को बनाने के लिए मुसलमान दलित आदिवासी ये सब मुल्क की तामीर नौ के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर के मुल्क के अंदर फैले हुए हैं। वरना आप ये बात जान लें कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमने मुल्क की आजादी में अगर खून बहाया है तो हमें मालूम है इस मुल्क के अंदर अगर शर्मपसंद मुल्क के कानून को अगर तोड़ने वाले अगर मुल्क का कानून तोड़ेंगे और लॉ ऑफ लैंड को मेंटेन करने वाली एजेंसी अगर इसको मेंटेन नहीं करेगी तो इस जंगल राज के अंदर मुसलमान सिख ईसाई कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर ये जंगल राज रहेगा। तो मेरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाइयों हमेशा यहाँ पे दयानंद खान का भी खून होता है और तबरेज अंसारी का भी खून होता है और प्रजापति को जलील किया जाता है, तो ये जलालत हमें बर्दाश्त नहीं है। जिम्मेदारी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कि वो लॉ ऑफ लैंड को इम्पोज करने के लिए पूरी उम्मीद और जिम्मेदारी के साथ काम करें। सलाम ठहरो भाई ठहरो ठहरो जरा यहाँ पर हम जमा हुए किसी एक तबरेज अंसारी के लिए नहीं, हजारों तबरेज अंसारी के लिए। अरे यार आप याद रखिए इस मुल्क की तारीख यही रही है कि जब भी हम तमाम मिलके आए हैं इस मुल्क में एक नई तारीख बनी है। हिंदुस्तान हमेशा एक गुलदस्ता रहा है, मैं बारहा कहता हूँ, और गुलदस्ता खूबसूरत जब ही नजर आता है जब उसमें हर किस्म के फूल नजर आते हैं। हम तमाम जरूर मुख्तलिफ मजाहब के मानने वाले होंगे, तंजीमों से बिलोंग करते होंगे, हम जब भी एक साथ होते हैं तो एक तारीख बनती है। मौजूदा वक्त में हुकूमत हिंद खास तौर पर पहले आज मेरी तरफ से ये मुतालबा रहेगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट इस बात को आगे बढ़ाए कि हम तमाम हिंदू मुस्लिम जो गुलमर्गा के यहाँ पर जमा हुए हैं हम चाहते हैं कि एक पहले कानून कर्नाटका बनाए, भले ही यहाँ पर कोई ऐसा कोई वाकया पेश ना आया हो, ताकि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को एक सबक मिले कि पहले यहाँ पर एक कानून बनाया जाए मॉब लिंचिंग के खिलाफ जिसको अपनाया जाए, जिस और फौरन जब भी कोई किसी का ऐसा मॉब लिंचिंग होता है उसे फौरन सजा दी जानी चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी अपील है। शुक्रिया ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಭಾರತ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೇ.
ಇವತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾವ ರಾಮಾಯಣ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಮಚರಿತೆ ಮಾನಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೀಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ನಡೀಲತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಡೆದದ. ಇವತ್ತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರದ. ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಮನುವಾದಿಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದಿಗಳು, ಆರ್ ಎಸ್ ನವರು ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳು, ಏನೋ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾರು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆವರು ಬಿಟ್ಟದ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಗಿಗಾಗಿ ಬೆವರು ಬಿಟ್ಟದ, ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿ ರೂಮಿನಾಗ ಯಾರು ಕುಂತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆವರು ಮುಟ್ಟದ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆವರು ಬಿಟ್ಟದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುರಂತಾಗಿ ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡ್ಯಾರ ಅವರಿಗೆ ಜೀವವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो. ना हम मजबूर निकलेंगे, ना हम लाचार निकलेंगे. जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे. ये खाकी चड्डियां, ये जाफरानी चेहरे, इन्हीं में ढूंढो, इन्हीं में मुल्क के गद्दार निकलेंगे. तबरेज़ अंसारी को मारने वाले भगवान के भक्त हो नहीं सकते, वो शैतान के भक्त है, राक्षस के भक्त है, वो देश के गद्दार है, वो देशद्रोही है, वो हिंदू के द्रोही है, वो हर मजहब के द्रोही है. हमारा ये डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का राज हो, मॉब लिंचिंग पर कानून बने, और जितने फिरका परस्त ताकतें हैं उनको बैन किया जाए. और एक बात का मैं आप लोगों से एक फंडामेंटल राइट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है वो दस्तूर आपको चुड़िया पहनकर बैठने के लिए नहीं दिया है, बल्कि अगर आपके ऊपर नाहक का हमला हो रहा है तो आपको खामोश बैठने की जरूरत नहीं है, उसके डिफेंस में आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप अपना प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हो जाइए. मैं मुबारकबाद देता हूँ इलियास शेख साहब को कि उन्होंने आज तमाम शहर गुलबर्गा के मिली मसलकी समाजी सियासी गैर सियासी प्लेटफॉर्म को दावत देकर यहाँ पर इत्तेहाद का मुजाहरा किया. और साथ ही साथ मैं सुलपुल भट्ट स्वामी जी को भी ये बात बताना चाहता हूँ, फादर को भी बताना चाहता हूँ, हमारे सरदार जी को भी बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर जमा हुआ मॉब सिर्फ तबरेज अंसारी का कत्ल होने पर नहीं आया है, बल्कि अगर आपके भी धर्म में मजहब में ऐसा ना हो, अगर होता है तो गुलबर्गा का इससे बड़ा मुसलमान, इससे ज्यादा मुसलमान आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार. इसी गली के है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे. ना तुम्हारे बुलाए आए थे, न तुम्हारे बुलाए जाएंगे. नारा तकबीर अल्लाह. बहुत बहुत
शुक्रिया। Come on, let's get it.